उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी देहरादून गलोगी पावर हाउस के पास लगातार हो रहे भूस्खलन के क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद थे। पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल पहाड़ के ट्रीटमेंट को लेकर योजना बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मसूरी एक पर्यटन स्थल है, ऐसे में यहाँ पर मार्ग का वर्धित होना कहीं न कहीं पर्यटन व्यवसाय पर प्रभाव डालता है। उन्होंने कहा कि मसूरी के लोग लगातार भूस्खलन से होने वाले पहाड़ों के ट्रीटमेंट की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहाड़ के लगातार टूटने से मसूरी के स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश से मसूरी आने वाले पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जल्द पहाड़ के ट्रीटमेंट करने को लेकर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जल्द पहाड़ के ट्रीटमेंट का काम शुरू किया जा सके। हमने पूरी टीम बुलाई हुई है। मैं यहाँ से जाने के बाद वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण करूँगा। सभी PWD विभाग के सभी अभियंताओं को, सभी उनके अधिकारियों को वहाँ पर बुलाया है और उसमें देखेंगे कि वो बार बार क्यों मुश्किलन होता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। सेटलमेंट की बहुत ज़्यादा मांग उठ रही है, उसकी प्रक्रिया को चालू करेंगे।